दोस्तों स्वागत है आपका आईपीएल 2019 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दोस्तों इनका कप्तान जो है वो बदल सकता है आईपीएल 2019 को लेकर। दोस्तों क्या है पूरी खबर, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों आईपीएल 2018 में डेविड वॉर्नर के बैन लगने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी जो है वो केन विलियमसन ने संभाली थी, जहां पर अपनी टीम को दोस्तों फाइनल तक लेकर गए थे। और आईपीएल 2019 से पहले भी सनराइजर्स हैदराबाद ने क्लियर कर दिया था कि केन विलियमसन ही जो है उनकी कप्तानी करने वाले हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों अचानक से ये डिसीजन जो है वो चेंज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, क्योंकि आपको बता दें कि केन विलियमसन दोस्तों इंजर्ड हो चुके हैं, जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में दोस्तों उनको इंजरी हुई, और ये इंजरी जो है वो काफी ज्यादा रेयर है। इससे पहले सिर्फ 5 प्लेयर्स को जो है पूरे वर्ल्ड में इस तरह की इंजरी हुई थी, जैसी इंजरी जो है वो केन विलियमसन को हुई है। और ऐसे में ये कहना बड़ा ही मुश्किल कि कितने दिनों में वो फिट होंगे और कितनी सीरियस जो है वो इनकी इंजरी है, और इस वजह से दोस्तों आईपीएल 2019 के जो शुरुआत के मैचेस हैं वो यहां पर मिस कर सकते हैं केन विलियमसन। और ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है उनको मजबूरी में अपना कप्तान जो है वो चेंज करना पड़ेगा। और यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि डेविड वॉर्नर शुरू से ही आईपीएल 2019 खेलने वाले हैं, और लगभग से पूरा आईपीएल का सीजन भी जो है वो खेलेंगे। और ऐसे में डेविड वॉर्नर को जो है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कप्तानी दे सकती है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद को दोस्तों 2016 का टाइटल भी डेविड वॉर्नर ने अपनी कप्तानी में दिलाया था। तो देखना होगी दोस्तों ये फैसला लेती है या फिर नहीं लेती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, अगर केन विलियमसन नहीं खेलेंगे तो यहाँ पर डेविड वॉर्नर हमें कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर भुवनेश्वर कुमार को भी जो है यहाँ पर कप्तानी दी जा सकती है, क्योंकि वो लास्ट ईयर जो है वो टीम के वाइस कैप्टन थे। तो देखना होगी दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद क्या फैसला लेती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि मजबूरी में अब यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को जो है अपना कप्तान चेंज करना पड़ सकता है। तो दोस्तों क्या सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपना कप्तान चेंज करेगी, या फिर केन विलियमसन ही होंगे टीम के कप्तान, और जब केन विलियमसन अनअवेलेबल रहेंगे तो ऐसे में वाइस कैप्टन को जो है वो दी जाएगी कप्तानी। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।